हेलो क्लास 7, कैसे हो बेटा आप लोग? बेटा, लास्ट पीरियड में हमने आपको एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 7 तक के सॉल्यूशन सेंड किया था, और हमने आपको कहा था कि हम आपको नेक्स्ट पीरियड में इसको एक्सप्लेन करेंगे। चलिए बेटा, आज टर्न है आपको समझना है सारे क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन था बेटा सिंप्लीफिकेशन का, आपको क्या करना था, सिंप्लीफाई करना था। बहुत ईजी क्वेश्चन था बेटा, इसको आपको क्या करना था, मल्टीप्लाई करना था केवल। इसमें आपको साइन का ध्यान रखना था बेटा। साइन आपको ये ध्यान रखना है, कभी भी अगर आपको ऑड नंबर्स में साइन मिलेंगे तो आपको आंसर नेगेटिव में लिखना है, और अगर इवन में साइन मिलते हैं तो आपको आंसर पॉजिटिव में लिखना है। मतलब काउंट कर लीजिएगा, जैसे दो हैं, दो माइनस के साइन है तो ये दोनों आपस में कट गए, तो आपका जो आंसर होगा प्लस में होगा। यहाँ भी दो हैं, ये कट जाएंगे आपस में, प्लस में ही आंसर होगा। यहाँ देखिए बेटा तीन है, तो ये और ये तो आपस में कट गया, एक बच गया, तो ये आपका क्या होगा, आंसर नेगेटिव आएगा। ये देखिए यहाँ पर बेटा, अगर किसी भी मल्टीप्लीकेशन में बेटा जीरो आ जाए तो आंसर आपका हमेशा जीरो आएगा। देखिए ठीक है, यहाँ पर हमने प्लस में आंसर लिखा, क्यों? क्योंकि दो माइनस के साइन। हमने क्या कहा, अगर नेगेटिव साइन आपको क्वेश्चन में इवन नंबर्स में मिलते हैं, इवन होते हैं, मतलब एक दो, दो क्या है, इवन है, तो आपका आंसर पॉजिटिव रहेगा। अगर ऑड में मिलते हैं, देखिए यहाँ कितने, एक दो तीन नंबर माइनस में है, तो थ्री क्या है, ऑड है ना, थ्री ऑड है, तीन नंबर आपको माइनस में मिले तो आंसर आपका माइनस में होगा। और अगर मल्टीप्लीकेशन में जीरो आ जाता है तो बेटा आपको कुछ देखना नहीं, कुछ करना नहीं, सिर्फ उठा के जीरो आंसर लिख देना है। क्वेश्चन सेकंड में आ जाइए, डिटरमाइन द इंटीजर हुज प्रोडक्ट विद माइनस वन इज। आपको ये डिटरमाइन करना है कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसको माइनस वन से मल्टीप्लाई करने पर माइनस 35 आ जाए। तो बेटा आपको माइनस वन से अगर 35 को मल्टीप्लाई करेंगे, भाई माइनस वन दिया है आपको, आप इसके साथ नेगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर पॉजिटिव आएगा, और पॉजिटिव को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर नेगेटिव आएगा। आपको लाना कितना है, माइनस 35 लाना है। तो माइनस वन को आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 35 से, तभी आपका आंसर माइनस 35 आएगा। और यहाँ आप देखिए 57 बोला है, तो आपको मल्टीप्लाई तो 57 से ही करना, भाई वन को आप 57 से मल्टीप्लाई करोगे तभी तो 57 आएगा, लेकिन वो वन नहीं है, वो माइनस वन है। क्या है, माइनस वन है, और आपको लाना क्या है, प्लस 57 लाना है। तो यहाँ माइनस 57 से आप मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब माइनस वाले नंबर को माइनस वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपका क्या आ जाएगा बेटा, प्लस 57 आ जाएगा। तो इसलिए आपका आंसर क्या होगा बेटा, माइनस 57। मतलब आपने कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करना है, माइनस 57 से, और इधर 35 से मल्टीप्लाई करना है, तो 35 आपका आंसर आ जाएगा। और जीरो लाना है बेटा, तो जीरो लाने के लिए जीरो से मल्टीप्लाई करना है। फिर क्वेश्चन थ्री में बोला है बेटा कि आपको ऐसा कौन सा नंबर चाहिए, व्हाट विल बी द साइन ऑफ द प्रोडक्ट, मतलब प्रोडक्ट पे साइन क्या होगा अगर हम एट नेगेटिव इंटीजर्स को और एक पॉजिटिव इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। तो बेटा हमने एट नेगेटिव इंटीजर्स लिए, देखिए ये वन जो है आठ नेगेटिव हैं, आठ वन नेगेटिव हैं और एक वन पॉजिटिव है। तो हमने क्या बोला आपको बेटा, अगर नेगेटिव साइंस आपके इवन नंबर्स में आते हैं, आठ नेगेटिव साइन है, आठ एट क्या है, इवन है, तो आपका आंसर प्लस हो जाएगा। भाई ये दोनों आपस में कट गए, ये दोनों आपस में कट गए, ये दोनों आपस में कट गए, ये दोनों आपस में कट गए नेगेटिव साइंस, अब आपके पास बचा क्या, सिर्फ पॉजिटिव ही बचा, और एक पॉजिटिव वन है तो आंसर आपका वन आएगा। मतलब इस बात को ध्यान रखिए कि अगर कभी भी इवन संख्या में आपको नेगेटिव नंबर्स मिलते हैं तो आंसर पॉजिटिव में होगा। फिर बेटा क्वेश्चन फोर्थ में क्या बोला है, क्वेश्चन फोर्थ भी देखते हैं, सिंप्लीफाई करना है, बहुत अच्छे। सिंप्लीफिकेशन के लिए बेटा क्वेश्चन है आपका माइनस 8 इंटू 9 प्लस माइनस 8 इंटू 7, दोनों में कॉमन नंबर आपको देख लेना है, कॉमन दोनों में माइनस 8 है, उसको बाहर लिख लेना, मल्टीप्लाई का साइन लगाना है, फिर जो बचे हुए नंबर हैं उनको ब्रैकेट्स में लिखिए, और बीच में साइन वो लगाएंगे जो यहाँ पे लगा हुआ है, 9 प्लस 7 16, 16 को 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस 8 था 128 आ गया, 128 माइनस में। अब यहाँ कॉमन नंबर क्या है बेटा, माइनस 12 है, माइनस 12 बाहर ले लिया आपने, दो नंबर वो कौन से बचे, 10 और 5, 10 प्लस 5 15, 15 को 12 से मल्टीप्लाई किया 180 आ गया। यहाँ भी वही चीज़ है बेटा, देखिए कॉमन क्या है, 20, 20 को बाहर ले लिया, माइनस 16 और 14 अनकॉमन नंबर, इनको ब्रैकेट्स में लिया, माइनस 16, और बीच में जो साइन लगा है प्लस, वही साइन यहाँ लगा है। इसी तरीके से ये वाला क्वेश्चन हुआ, यहाँ माइनस 26 कॉमन था, समझ में आ गया होगा बेटा आपको, ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन था। फिर बेटा हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, बेटा क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, प्रोडक्ट बताना है सुटेबल प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके। इसमें बेटा आपको क्या करना है, इसको ईजिएस्ट बनाने के लिए आपने 6 को 135 से मल्टीप्लाई कर लेना, 810 आ जाएगा, फिर 63 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। अब इसको बेटा कैसे ईजी बना सकते हैं, हम 10 को 35 से मल्टीप्लाई करते हैं माइनस 35 से, और माइनस 5 को माइनस 20 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इन दोनों का प्रोडक्ट 100 आ जाएगा, इसका माइनस 350 आ जाएगा, बहुत आसान है। अब तो इसके आगे मल्टीप्लाई करना ही नहीं है आपको, 350 था, दो जीरो बढ़ा दीजिए, 3500 आ जाएगा। बेटा क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला है, एक रूम का टेम्परेचर बेटा दोपहर में, सॉरी हाँ, एक रूम का टेम्परेचर बेटा क्या है, 42 डिग्री सेल्सियस है। कितना है बेटा, 42 डिग्री सेल्सियस है, और ये 6 डिग्री सेल्सियस हर घंटे कम होता है। तो बोला है 4 घंटे बाद कितना टेम्परेचर कम हो जाएगा, तो बेटा 4 घंटे बाद, 1 घंटे में 6 डिग्री कम हो रहा है, 4 घंटे में कितना कम हो जाएगा टेम्परेचर, रिड्यूस इन 4 आवर्स, 4 इंटू 6 24 डिग्री कम हो जाएगा, 42 डिग्री था, तो आपने क्या किया बेटा, 42 से 24 को माइनस कर दिया, तो उस 4 घंटे के बाद टेम्परेचर कितना बचेगा रूम का, 18 डिग्री सेल्सियस। ठीक है बेटा, थैंक यू।